आते हैं कहाँ क्या करना चाहते हैं? कोई किसी को संतान नहीं है, अगर वो कहीं से भी संतान लिया तो पाप है क्या? नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर में हूँ। जौनपुर में थाना क्षेत्र है बासापुर। बासापुर के क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चा यहाँ कुछ दिन पहले चोरी होता है, वो बच्चा आज जो है बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ मिला है। आइए हम उनके पहले माता से बात करते हैं कि बच्चा कहाँ पे मिला है, कौन जानकारी दिया। माता जी क्या नाम है? बिजोला पांडे। तो आपका बच्चा कब गायब हुआ है? हमारा बच्चा हो गया 7 महीने 7वां महीना लग रहा है, 6 महीने पूर्व होके 7वां लगा है। और हमारे नंद नंदोई वहीं रहते हैं कुंडा में, कुंडा प्रतापगढ़। अब कुंडा प्रतापगढ़ तो वहीं वो बताएं कि एक लड़का जब तुम्हारा 6 तारीख के हैरान तो 10 तारीख को लड़कियां ले आएन। जब लड़कियां ले आएन तो 8-10 महीने का लड़कियां था, लेकिन लड़कियां रोते रोते एकदम हो गया बीमार तो दवा कराएन। तो वो बोलेन कि लड़कियाँ कहाँ पाए, कैसे लाओ? तो कहें हमका सुजानगंज कोई महिला दिए हैं, ये शब्द बोला। तो महिला का नाम बताया कि नहीं बताया? महिला का नाम नहीं बताया। कहें पैसा दिए हो? कहें नहीं पैसा नहीं दिए, फ्री ले आए। तब वो लड़कियाँ हमारे नंदोई ने देखा, शुरुआई में देखें तो खूब लड़कियाँ बड़बार था, तंदुरुस्त था। तो बोले कि भैया ऐसे बिना पैसा कैसे तुम लड़कियाँ ले लिया, फ्री में तुमको लड़का मिल गया वह लड़कियाँ? कहन हाँ हमें फ्री में दे दिया, उसके 4 बच्चे थे, एक बच्चे हमको दे दिया, ऐसा बोला। तो जब ऐसे बोले तो एक बात, धीरे धीरे उनके दुकाने पर उतरे जाते वीडियो कॉलिंग बनाएं। जब वीडियो बच्चे का बनाएं तो हमारे मोबाइल पे भेजें कि भाभी आपका बच्चा है। जब हम देखे फोटो तो हम कहे तो मेरा बच्चा है। तुरंत हम कहे कहाँ पे है? कहे कुंदा में आइए। तब एक बात डेरवा बाजार बोला। जब कुंदा पहुँचे, डेरवा बाजार पहुँचे, तब जाए कि वहाँ बनिया के पास पहुँचे। जब पहुँचे देखे बच्चा तो हमारा था। तब हम जाए कि तुरंत ही फोन लगाए हमारे पति ने पुलिस चौकी पे, यहाँ की पुलिस गई जांच भांच की। एकरे बाद हमको दूर कर दिया, हमको दूर बैठा के एकरे बाद वो बनिया राम से पूछी कि बच्चा कहाँ पाया, कैसे पाया। तो कहने एक दिन का बच्चा था तब हम पाए, और एक दिन की बच्चा ताल में पाया। फिर कहें ताल में कैसे पाए, कहाँ से पाए, कई बजे रात? पहले तो कह रही है कि उसके किसी और के पास 4 बच्चे थे, एक बच्चा मेरे एक दे दिया। हाँ। तो दोबारा कह रहे एक बच्चा मैंने कहीं ताल में पाया। हाँ। ये कैसे हो गया? एक बार जो बच्चा दिया है उसे पूछताछ किया जाए, जो है प्रशासन किया जाए। हाँ। कौन बच्चा दिया है? कहन उसके 4 बच्चे थे, एक बच्चा हमको फ्री में दे दिया। तो ये बतावा कि बच्चा देश के नहीं, प्रशासन वाला गए थे वहाँ पे, कौन बच्चा दिया है उनको? गए रहे पुलिस, गए रही पुलिस, गए पुलिस तो उनके घर पे गए हैं ना। उस महिला जो बच्चा लाई है बोल रही 4 बच्चा था, एक बच्चा मेरे को दे दिया। जब वो वहाँ गए तो वो बदल गई, कहे बच्चा मैंने नहीं दिया। वो कही तब एक बार जब वो बदल गई तो बोला कि राय बरेली से पाया। फिर एक बात बोला कि सुजानगंज से पाया। फिर बोला कि मैं ताल से पाया, ऐसे 52 ढंग को बात बोलने लगा। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं इनका जो है बच्चा जो है 11 माह का था, यहीं से गायब हुआ है, यहीं चारपाई से गायब हुआ है। रात को कोई ने इसको चुरा ले गया। ये लोग प्रतापगढ़ में हीरागंज मार्केट है, मैं उस गांव में आया हूं जहां एक बच्चे का बासापुर से जो है गायब हुआ था। वो जो है पंडितपुर गाँव से, जो उनका आरोप है कि हमारा बच्चा जो है हीरापुर गाँव में, हीरागंज गाँव में पड़ा हुआ है। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं भी, उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या जो वो आरोप लगा रहे हैं बासापुर पंडितपुर गांव के लोग, तो क्या ये सत्य? गांव वाले से हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, ये जो बच्चा ये लोग लाए हैं कैसा बच्चा है? ये बच्चा है जो वो लोग बोल रहे हैं कि उनका बच्चा खो गया है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये बच्चा इनका तब से है, जब एक दिन से बच्चा पैदा हुआ था तभी से ये लोग बच्चा लेके आए हैं। क्योंकि जो बासापुर के जो पंडितपुर गांव के लोग हैं उनका कहना है कि हमारा बच्चा 11 महीने का था और गायब हो गया है। वो बच्चा जो है हीरापुर गांव में, हीरागंज है ना, हीरागंज गांव में मिला है, क्या ये सही बात है? अगर उन लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उन लोगों को बोलो डीएनए टेस्ट करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, ये बच्चा कितने वर्ष का था, कितने दिन का था लाए थे लोग? एक दिन का था, जिस दिन ये पैदा हुआ था उसी दिन इन लोगों को मिला था, तब से ये लोग सेवन कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, रातों दिन उसकी सेवा कर रहे हैं। और पूरा हीरागंज के लोग जानते हैं कि इनका बच्चा है, जब से मतलब पैदा हुआ था तब से ये लोग मतलब सेवन पालन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम इस समय प्रतापगढ़ हीरागंज गांव में हूँ, हीरागंज मार्केट भी है। यहाँ के लोग से हम जानकारी आपको दिखाते हैं, जो बच्चा का इंजाम लगा हुआ है कि बच्चा ये बासापुर का है।
बासापुर का है, जो कि उनको लोग इल्जाम लगा हुआ है कि हम यहाँ के गांव के लोग हैं, मार्केट लोग हैं, हम जानकारी देते हैं कि बच्चा का कहना है कि बच्चा एक दिन का था उस समय ये लोग लाए जो रात में, लेकिन भाग दौड़ किया लेकिन पाए नहीं, वो लेकर निकल गया। अब इनका कहना है मेरा बच्चा जो है प्रतापगढ़ में मिला है। आइए जो है उनके बच्चे के जो है पिता है जो राहुल जी है उनसे बात करते हैं कि बच्चे को कहाँ मिला, कौन सूचना दिया आपको, अब क्या नाम है? ऐसा है, राहुल पांडे हमारा नाम है, वहाँ थाना महेशगंज है, वहाँ हमारे महेशगंज थाने से रिश्तेदार रहते हैं जो है वो पता लगाए सब कुछ, और उसके बाद हकीकत जब सामने आ गई तो लोग बावन बात कर रहे हैं। बच्चा जो है महेशगंज थाना मिला है, आप थाना बासापुर है? हाँ, हमारा थाना मुगरा बासापुर है और वो महेशगंज थाने में है वो बच्चा। तो बच्चा अभी मिला है, तो अभी आप गए थे देखने के लिए? हम गए थे वहाँ पर देखने के लिए, बच्चा अपना बच्चा देखते मान तुरंत मैं पहचान गया को हमारा बच्चा है, और वो तमाम प्रकार के वो बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ से पाया वहाँ से पाया, और फिर थर थर उनका हाथ गोड़ भी कांपने लगा। उसके बाद वो लोग पूरा एक होके दो रोज में अपना सिस्टम पलट दिए हैं जो है, और पलट के पूरा गाँव बाजार एक होके उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे बच्चे किसी के यहाँ पैदा होते हैं, कोई न कोई शरीर में कोई कोई निशानी होता है, ऐसा कोई है उसके पास? निशान उसके पास यहाँ पर है, टीका लगा है, वो पक गया था, उसके बाद वो निशान हमने देखा, और उसके बाद और कुछ एक निशान है यहाँ पर, उसके लक्षण है, ये सब मैं पहचान गया। उसके बाद वो लोग तमाम प्रकार के बातें कर रहे हैं कि यहाँ से पाए वहाँ से पाए, तो जो पाया है जो वो सुषमा मैडम के जो बच्चा जो लड़का जो बच्चा ला के दिया है वो भी जेल जाना चाहिए। पहले डीएनए ने हमारा बाद में टेस्ट होगा, जो एक दिन का बच्चा ला के उनको दिया है पहले वो जाके पकड़ा जाए। बच्चा कौन दिया था उनको? बच्चा एक औरत की, सुमन मैडम का बेटुआ। दोस्तों देख सकते हैं, अगर किसी जो है इनका कहना है सुमन मैडम जो है एक दिन का बच्चा ला के उनको दिया है। प्रशासन का ये भी बड़ी लापरवाही है, अगर एक दिन का बच्चा जो है किसी का ला के दिया जा रहा है, एक इंक्वायरी करना चाहिए वो बच्चा लाया कहाँ से गया। अगर इनका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा भी हो सकता है। सारी न्यूज आप शाम को पूछा था कि बोले 7 बजे न्यूज चैनल पे आएगा, और हम ये चाहते हैं कि अब इनके पास मीडिया वाले और अन्य लोग ना आके इनको परेशान, क्योंकि इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अभी मैंने मोबाइल में कल देखा था, उसमें बच्चा दावा करने वाले लोग दिखा रहे हैं कि इनका हाथ पैर क्यों कांप रहा, थाने ले गए थे, और उसमें उनके द्वारा बोला गया क्योंकि बच्चा चोरी करके लाए हैं इसलिए इनका हाथ पैर कांप रहा। जिस समय लाए थे बच्चे एक दो दिन का, उस समय तस्वीरें हैं। जो बच्चा हुआ था उस समय का तस्वीर है, बच्चे का तस्वीर जो है 6 दिन का है, जब इसमें 6 दिन हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को जैसा भी लगे एक बार कमेंट जरूर कर बताना क्या सत्य है क्या सत्य नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं, जो बच्चा जहां पे इनका मिला हुआ है, जहां सूचना मिला था हम लोग वहां गए थे, वो हमें तमाम फोटो दिखाए बच्चे का, एक दिन का फोटो दिखाए, 6 दिन के फोटो दिखाए, 6 महीने के फोटो दिखाए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम इस पे ये कहना चाहते हैं को सरासर वो झूठ बोल रहा है। जब हम लोग गए थे तो पहले दिन जब देखे तो उसका हाथ गोड़ कांपने लगा, और ये जान लो कि चोरों के मुंह घोड़े की न्याय होता है, वो साला तुरंत फंस गया। उसके बाद 2 रोज में वो सिस्टम अपना पलट दिया, तो जो बच्चा एक दिन का ला के दिया है उसको पहले सबसे बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा आप जैसे हम परेशान है, वो जो बच्चा एक दिन का ला के उसको दिया है वो कितना परेशान होगा। एक दिन से बच्चा जो लाया होगा, कहना चाहते हैं मैडम के बंद करो, मैडम के लड़के के बंद करो, किसका बच्चा तुम लेके अब इनको दिए हो? कौन से बच्चे, कौन दिया है बच्चा? सुमन मैडम के लड़के ने दिया है, कि बोल रहा है कि मैं झाल में पाया दिया, तो उसको भी पकड़ के बंद करो। अगर कहीं किसी गांव में अगर बच्चा झाल मिलता है या नदी किनारे मिलता है कहीं मिलता है, तो वहां गांव के तमाम लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा आपको कोई सूचना मिला कहां से किस गांव से पाए हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं मिला। हमारे रिश्तेदार ने खुद बोला कि 10 महीना का बच्चा था तुम्हारा, 6 तारीख के हैरान और 10 तारीख के बच्चा लेके हुआ मौजूद हुआ, और बोले कि मैं सुजानगंज रोड पे हम कोई महिला से लिए हैं, और उसके 4 बच्चे थे, हमको बच्चे दिए 52 भाई। नर्स है जो है वो तमाम प्रकार की कोई भी रिपोर्ट बना के दे सकती हो, तो नर्स है। अगर किसी का कोई भी नर्स हो अगर किसी का बच्चे दे रही है, तो एक दूसरे माँ भी सुना हो रहा है। वो भी तो एक अपराध है। जैसे मान लो अगर किसी और के बच्चा दे रही है ले जा करके,
वो भी तो किसी माँ की बच्चा है, वो भी तड़प रही होगी, वो भी तड़प रही होगी कि हमारा बच्चा कहाँ गया, कैसे गया। अब कैसे मैं भी रो रही हूँ, वो भी रो। तू हमसे पहले डीएनए टेस्ट कराने से पहले उसे नर्स के बंद करो, उसके लड़के के बंद करो। और डीएनए टेस्ट तो मैं कराऊंगा, हमारा होगा तो लेंगे और नहीं होगा तो बच्चा अपना ले। देखिए दोस्तों, इनका कहना है डीएनए टेस्ट तो बाद में होगा, पहले जो महिला जो आदमी जो है उस बच्चे को ले जाकर दिया है, पहले उसको जो है थाने में बंद किया जाए, उसे पूछताछ किया जाए, बच्चा कहाँ से लाया, किसका बच्चा है, कौन दिया, किस प्रकार से लाया गया है। उसके बाद डीएनए जांच हमारा होगा, डीएनए जांच में अगर हमारा बच्चा होगा हम खुशी से लाएंगे, अगर हमारा बच्चा नहीं होगा हम नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, हम बच्चा नहीं लेंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? बस यही कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके, सरकार से निवेदन है कि हमारा बच्चा होगा डीएनए टेस्ट कराइए, हमारा होगा तो मैं लूंगा, नहीं तो अपना पाले पोसे, हमें किसी का बच्चा नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इन लोग का बार बार यही निवेदन है, डीएनए टेस्ट होने के बाद अगर मेरा बच्चा होगा तभी हम लाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो जो महिला जो है, जो पुरुष जो है, एक दिन का बच्चा उनको ला के दिया है, वो बच्चा किसका किडनैप करके लाया है, कहाँ से लाया है, इसका भी खुलासा होना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आज किसी और का बच्चा किसी और को ले जाके दिया, कल हो सकता है ऐसा उनका जो है धंधा होगा, उसका धंधा भी हो सकता है, उसका धंधा तो है ही, वो तुरंत उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कहाँ से बच्चा ला के तुम उसको क्यों दिए, उसका पहले जांच होना चाहिए। डीएनए तो हम टेस्ट कराने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा बच्चा है, हम तो जान रहे हैं, हम हर एक चीज पे तैयार हैं। देखिए दोस्तों, इनका यही कहना है अगर हमारा बच्चा तभी लाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। लेकिन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उसको पहले जो है जो बच्चा लग दिया उसको जल्द से जल्द जो है पूछताछ करे, पूछताछ करे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको 100 लाठ मार के पूछे उससे कि बच्चा कहाँ से लाया, कैसे, कौन दिया, किसने दिया, उसको सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे आज हम परेशान हैं वैसे आज वो अगला भी परेशान होगा जिसका एक दिन का बच्चा ला के दिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पूरे परिवार में जो है दहशत का माहौल बना है, इनका बच्चा जो है गायब है, जो है इनका जो है दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो है बात कर रहे हैं मीडिया के सामने। ये जान लो भाई साहब, 4 दिन से एकदम दिमाग पक गया, बोलते बोलते आवाज नहीं निकल पा रहा है, 4 दिन 5 दिन हो गया भोजन किए। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार में न्यूज चल रही, जय हिंद जय भारत। बच्चा चलता है बोलता है, ये सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बच्चा मेरा है, क्या डीएनए टेस्ट कराना, डीएनए में अगर उनका बच्चा निकलेगा तो दे देंगे, नहीं निकलेगा तो मुकदमा दायर होगा। आप लोग देख सकते हैं ये हम हीरागंज जो है प्रतापगंज में जो बच्चे का आरोप लगा हुआ है बासापुर से, पंडितपुर गांव से, जौनपुर से, कि बच्चा मेरा चोरी हुआ है, बच्चा हमारा जो है प्रतापगढ़ हीरागंज गांव में है। तो हम यहां के कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप क्या नाम है? अपने केसर वाली। तो बच्चे का जो आरोप लगा है बासापुर से, पंडितपुर गाँव से, वहाँ आरोप लगा हुआ है हमारा बच्चा चोरी हुआ है, 7 महीना इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है हीरापुर प्रतापगढ़ में मिला है, क्या ये सत्य है? साथ साथ गलत है। कपड़ा देने वाले हमें 2 दिन का बच्चा था, आए थे ले गए थे 2 दिन के बाद। लाए थे कितना उम्र था वो? लगभग यही जनवरी या फरवरी में लाए थे, अगले साल। अगले दिन का था, कितना उम्र था? 1 दिन का या 2 दिन का था बोल रहे थे, वही कपड़ा लेने आए थे। भाई साहब, यही दुकानदार हैं जो कपड़े जहाँ से लोग लाए थे जो है, जिस समय बच्चा 1 दिन के लाए थे उस समय कपड़ा लाने गए थे जो है, कि हम इनका जो है छठ पूजा ये सब मनाते हैं जो है गांव में, जो है बच्चा पैदा होता है उस समय कपड़ा इन्हीं के यहाँ से लाया था। एक बोलते हैं कपड़ा मैंने दिया हूँ कि बच्चा उसमें 2 दिन का था। भाई साहब क्या नाम है? दिनेश मधुक्ता हीरा। बातें कुछ आरोप लगा है पंडितपुर गांव से कि वहाँ से मेरा बच्चा चोरी है, हमारा बच्चा जो है हीरागंज मार्केट में प्रतापगंज मिला है, क्या ये सत्य है? ये बच्चा 1 दिन का था तो ये हरिचंद जैसा पानी लाए थे, अगर उनका बच्चा हो तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद इसका बच्चा ले लीजिए। देख सकते हैं हीरागंज मार्केट में हूँ प्रतापगंज में, जो पूरे हीरागंज के जो मार्केट वाले हैं वो भी बोल रहे हैं कि बच्चा जो है 1-2 दिन के लाए थे, और इस समय हमारा बच्चा 14 महीने का हुआ है, अभी चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, जो कि इन लोग का कहना है कि ये बच्चा जो है उनका नहीं है।